दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, बाहर कंट्री में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च के बाहर की ओर भाग रहे हैं। तो मैं जो हमारे इंडिया में ही रहना चाहते हैं, पंजाब में रहना चाहते हैं, अपने शहर में है, अपने गांव में रहना चाहते हैं और अपने यहाँ रहकर ही अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बिजनेस हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो है पोल्ट्री फार्म, जी हाँ ब्रॉयलर फार्म हो गया, एक अंडे वाला लेयर फार्म हो गया, वो भी बहुत अच्छा चलता है, और देसी मुर्गी पालन वो भी बहुत अच्छा चलता है, और बाकी फ़िश फार्मिंग हो गया, फ़िश मछली का फार्म, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है, और अपना डेयरी फार्म हो गया, जी हाँ आप उस फार्म को दो गायों से, दो मतलब कि अपने बफेलो से, भैंसों से शुरू कर सकते हैं जी। तो डेयरी फार्मिंग हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, जी हाँ अब आपको पता है कि जितनी बीमारियां चल रही हैं हमारे अपने पंजाब में, अपने इंडिया भारत में, तो सब कुछ डुप्लीकेट मिल रहा है, बहुत से लोगों के वाइट सेल वगैरह कम हो रहे हैं और प्रोटीन वगैरह पूरा नहीं मिल रहा। तो बकरी का जो दूध होता है वो 400 रुपये लीटर हमारे पंजाब में 400 रुपये लीटर बिकता है, तो आप गोट फार्मिंग मिल्क के लिए आप ला सकते हैं और डाल सकते हैं, और सबसे कम लागत में गोट फार्मिंग आपका बन जाएगा। कोई भी अच्छी बकरी, अच्छी ब्रीड की बकरी जो होती है वो आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में अच्छी ब्रीड की बकरी मिल जाएगी, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। जब वो आप उसे मीट करवाएंगे, जब वो बच्चे देगी तो कम से कम 2-3 बच्चे देती है एक टाइम पे, ऐसे करते करते एक साल में आपके पास ज़्यादा नहीं तो 5-7 बकरियाँ वगैरह हो जाएंगी। तो आपने 10 से 15 हज़ार से शुरुआत की और एक साल में आपके पास तिगनी चुगनी बकरियाँ वगैरह हो जाएंगी, उससे आप ऐसे करके बढ़ाते 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 जाएगी, मतलब ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में नुकसान बहुत कम है लेकिन फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। जो डेयरी फार्मिंग है उसमें नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप उस पर टाइम दोगे। गोट फार्मिंग में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, और लेयर मुर्गी जो होती है, ब्रॉयलर होती है, उसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, नुकसान कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। तो कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे ना तो उसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों ही चलेगा, जी हाँ दोनों साथ साथ में चलेंगे, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा और नुकसान कम होगा। जो इंसान मेहनती होगा ना, जो इंसान काम करना चाहता है ना, वो काम करके ही रहेगा और वो नुकसान अपने आप को होने ही नहीं देगा। अगर नुकसान हो भी जाए, बाई चांस मान लो अगर नुकसान हो भी जाता है, फिर भी वो इंसान नहीं घबराता, वो दिल नहीं छोड़ता, बड़ा दिल रख कर फिर वो आगे बढ़ता है, जी हाँ। तो ये थोड़े बहुत 4-5 बिजनेस है जो आप बहुत कम लागत में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं शुरू, जी हाँ। तो बाकी अब हम और भी ज़्यादा टॉपिक लेकर आएंगे, कितने का पड़ेगा, कितनी लागत आएगी, सारी कॉस्ट बताएंगे, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ बताएंगे हम, जी।